माँ जो है, इस बच्चे की माँ जो है वो मेंटली वो थोड़ी सी जो परेशान हुई है। उस घटनाक्रम में मैं आगे की तरफ बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो मैं आज सुबह के समय में नकरदेही के उस घर पे पहुंचा हूँ जहाँ मृतक का परिवार रहता है। वो मृतक का परिवार ये झोपड़ी जो देख रहे हैं, ये टूटी सी झोपड़ी है और ये एक छोटा सा मकान है जो इनका अपना मकान है, जो निजी मकान है जिसमें ये रहते हैं। उनके एक ये बच्चा है और एक बच्चा बाहर है। तो ये दो बच्चे हैं इनके और इनकी परवरिश का, क्योंकि इनकी माँ जो है, इस बच्चे की माँ जो है वो मेंटली वो थोड़ी सी परेशान सी रहती है। तो वो इस जगह पे अभी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे हैं उनसे बातचीत जो हो रही है उससे ये निकल के सामने जरूर आ रहा है कि इस बच्चे का परवरिश कैसे होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इसकी परवरिश का जिम्मेवारी कौन लेगा, क्योंकि वो बच्चा अब जो चले गए मृतक जो इस दुनिया से चले गए, अब उसके पीछे दो बच्चे और साथ में उनका परिवार है, उनकी परवरिश के लिए आगे का क्या कुछ होगा। कल के जो लिखे हुए एप्लीकेशंस पे मैंने देखा तो उसमें धाराएं लगी 302 और 334। तो 302 और 34 का मतलब उनको इमीडिएट 2 घंटे या 4 घंटे अगर वो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं तो उनको जेल होना चाहिए, वो हिरासत में होने चाहिए, लेकिन अब तक हिरासत में नहीं है। और इसके पीछे का कारण क्या है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब चलते हैं, वहां पहुंचते हैं, सरपंच से पूछते हैं और पूर्व मुखिया हैं, अगर मुखिया जी भी आते हैं तो उनसे भी हम बातचीत करें। एप्लीकेशन सबमिट हुआ, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसमें जो उसके ऊपर लगा 302 और 34 दो धाराएं लगी है, उन धाराओं के ऊपर क्या 302 और 34 समझ गया जो मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है, आपने ही दिया था साहब, मैंने उसको पढ़ा। वो जो धाराएं लगी हुई हैं उन धाराओं का मतलब समझना चाहिए और गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, वो गिरफ्तारी होनी चाहिए ये जानने के विषय है। ऐसा क्यों होता है कि जब यहाँ से लाश गई, जब यहाँ से लाश पोस्टमार्टम के लिए गई है और वो बंदा आता है और यहाँ लोगों को किस तरह की बातें करता है, भ्रामक बातें फैलाता है, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि प्रशासन के लिए और सिविलियंस के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे एक मीडिया कर्मी भी हो, लॉ जो है वो सबके लिए एक है, कानून किसी के लिए अलग नहीं होता। तो यहाँ पे पूर्व मुखिया जी है, क्या कुछ हुआ जब वहाँ पे आपने धाराएं उन पे लग गई, क्या गिरफ्तारी हुई अब तक? जी जी, माननीय DSP महोदय से हम लोग आग्रह किए कि सर आप अविलंब उसको गिरफ्तार कीजिए। वो बोले कि नहीं, आप लोग आवेदन दीजिए, हम गिरफ्तारी करेंगे। आवेदन हम लोग दिए, आवेदन देने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहाँ लाश गया है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम भी अभी तक नहीं हुआ है जी। अब बताइए कि वह रात भर वह व्यक्ति घूम घूम करके हमारे गांव में भी आया था, रात भी दारू पी के उत्तील था, दारू के नशा में बक 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 बोल के बहुत कुछ गया है। अगर मान लीजिए, अगर बहुत कुछ बोल के गया, मतलब कुछ एक शब्द सीधा भाषा में बोला कि अभी एक को मारे है, ज्यादा लवर दिनों लोग कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, तो उनको उन लोगों का भी हत्या करा देंगे हम। अब आप बताइए कि कहीं गांव का लोग आक्रोशित होकर के अगर पकड़ के उसको मारने लगता, अगर वही मर जाता तो प्रशासन तो यह कहती कि नहीं, ये लोग जान के किया है, अंकुश लगा नहीं रहा है लोग, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहीं होता है, आप बताइए, आप लोग भी रात दिन यही काम करते, ऐसा कहीं होता है कि 302 का FIR हो गया और 21 घूम के थ्रेटनिंग दे रहा है? रात DSP साहब कहे कि आप लोग आवेदन दीजिए, हम उसको अरेस्ट करेंगे, तो हम लोगों ने आवेदन दिया है, अरेस्टिंग के लिए सुबह के टाइम लिए थे, तो अभी तक तो नहीं किए हैं। अगर इस तरह नहीं करते हैं तो हम लोग चरणबद्ध होकर के, जब उधर से लाश पोस्टमार्टम होकर आ रहा है, तो शांतिपूर्ण हम नकरदेही चौक पर लाश को रखवाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक नहीं उनकी अरेस्टिंग नहीं हो जाती है दोषी व्यक्तियों को, तब तक हम लोग प्रदर्शन चलता रहेगा। चाहे SP आवे, DM को बुलाना पड़े, DIG कमिश्नर को बुलाना पड़े या मुख्यमंत्री को बुलाना पड़े, बाध होकर हम लोग मजबूरी में, वो जब गिरफ्तार करे नहीं तो इस हम लोग को यहाँ हाजिर करे, वो लोग जैसे कहेंगे उस तरह। और उनके बच्चे को, एक मिनट, उनके बच्चे को, जो छोटे छोटे बच्चे है, और उनकी पत्नी जो है बुर्बक टाइप की है, जो खाना बनाकर ही खिलाता था लड़का, और बच्चे जो छोटे है, आज वो अबोध बच्चे है, उसकी मैंने परवरिश के लिए सरकार ये करे या प्रशासन के द्वारा उसकी परवरिश होनी चाहिए, नहीं तो बाध होकर हम लोग को यही करके, जब तक सरकार इसकी पूर्ति नहीं करती है, क्षतिपूर्ति नहीं करेगी और उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोग का कार्यक्रम चलता रहेगा।
अच्छा एक बात बताइए, आप तो वहाँ मौजूद, सारी बातें जो सामने आई, जश्नुद्दीनों ने छोटे छोटे बच्चों ने अपना वर्ड दिया, बताया कि कैसे घटना हुई थी, और कुछ एक मीडिया कर्मी इस तरह से फैला रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह से कोई काम नहीं किया गया, ये ऐसे दुर्घटना हो गई है जिसमें उसकी मौत हुई है, क्या ये सही है? ये बताइए कि बिना पुलिस के गए हुए आदमी का घटना तो नहीं होगा, वो पकड़े पीटे तभी तक घटना हुआ ना, और भी आदमी देखा जो ये अशोक मुखिया श्रीरामपुर का उनका भाई भी देखे हुए क्या पुलिस पीट रहा था, उन लोग का दो चार डंडा भी लगा हुआ है, तो इनको पीटने के बाद में हम लोग का मालूम हुआ था, हम लोग वहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद में अभी वहाँ पर पहुंचे, पहुंचने के बाद में हम लोग यही मांग किए कि वीरेंद्र यादव के गिरफ्तारी किया जाए, तो डीएसपी साहब आए तो दो घंटे का टाइम मांगे कि दो घंटे के बाद में हम गिरफ्तार करेंगे, अभी तक तो डीएसपी साहब गिरफ्तार किए नहीं है, फिर आएंगे तो उनसे बात होगा, नहीं तो फिर हम लोग रोड जाम करेंगे, तो एसपी डीएम को हम लोग बुलाएंगे, तब उसके बाद में गिरफ्तारी करेंगे तो हम लोग लाश फूकेंगे। जी सर, तो अच्छा एक बात देखिए, एक चीज और भी, क्योंकि आप दोनों आदमी जनप्रतिनिधि हैं और अभी जीते हुए कैंडिडेट हैं, ऐसा क्या हो गया कि अभी तक मुखिया जी कहीं दिखाई नहीं दिए, क्या वजह है, क्या कारण है? अब मुखिया जी बताएंगे, मुखिया जी जैसे शादी में आपको हम कार्ड दे दिया, आप नहीं आइएगा तो हम क्या करेंगे, अब मुखिया जी के लोग जिता दिया, अब मुखिया जी नहीं आएंगे तो उसका बोगी तो मुखिया जी बोगेंगे, हम पूरे बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे समय में उनको पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए ऐसे समय में, हो सकता है कहीं दूसरी जगह हो, लेकिन अब तक क्योंकि कल दिन दो बजे के आसपास की घटना पंचायत की रहने वाला है तो होना तो चाहिए, दबाना चाहिए, उस सौतेला व्यवहार कर रहा है इस पंचायत के साथ में, लेकिन जादव के नाम पर एफ आई आर हुआ है, जादव यहाँ का मुखिया है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है मुखिया, तो यहाँ जाति अगर जाति नहीं, देखिए सर यहाँ मोहम्मदन की लाश रहती, जादव की लाश रहती तो बोले सब कुछ मुखिया सब कोई आ गया रहता, यहाँ अदर आदमी का लाश है, इसीलिए न मुखिया आ रहा है, न कोई एसपी आ रहा है, न कोई कुछ आ रहा है। ये बताइए, लेकिन इस तरह की घटना मतलब एक तो निंदनीय घटना है ये, इस घटना के क्रम में अगर जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं वो अगर समय से नहीं पहुंचते हैं, और मान लीजिए कोई कारणवश थोड़ा पहले नहीं आए, अब तक तो आना चाहिए ना, अगर नहीं आते हैं तो ये तो दुखद बात है, कि दुखद सही बात है, उनको आना चाहिए, ये मुसीबत आना चाहिए, रात को मुखिया होंगे सुबह में तो आना चाहिए ना, उनको सुबह में आके देखना चाहिए क्षेत्र उनका है कि क्या घटना हुआ है, कैसे घटना हुआ है, उनका चुकाना चाहिए। जी सर, धन्यवाद।